हाय एवरीवन, मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। एज ए स्टूडेंट रशिया और यूक्रेन वॉर से कम एक चीज तो हमें समझ में आता है कि अगर किसी भी देश के साथ डिस्प्यूट हो तो कोशिश किया जाए कि उस डिस्प्यूट को डायरेक्टली उस देश के साथ बातचीत करके रिजॉल्व किया जाए और कभी भी वॉर को एज एन ऑप्शन ना देखा जाए और साथ में कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री को उस डिस्प्यूट में एंट्री ना दिया जाए। अगर ये गलती होता है तो उस देश का वही हाल होगा जो आज के डेट में यूक्रेन का हो रखा है। इसी बीच आज भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि अगर प्रेसिडेंट जेलेंस्की डायरेक्टली बात करते व्लादिमीर पुतिन के साथ तो कभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू नहीं होता। जो आज नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को इस वॉर में, ये नुकसान भी नहीं होता। इसी महीने के 15 और 16 तारीख को स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए और रशिया को एज एन एग्रेसर दिखाया जाए और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स को जारी किए जाए जो डायरेक्टली सपोर्ट करे यूक्रेन को और अपोज करे रशिया को। एक बात का ध्यान रखिए कि ये सबमिट वर्ड तभी यूज किया जाता है जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे अलग अलग देशों के हेड ऑफ स्टेट आते हैं। जैसे कि भारत के हेड ऑफ स्टेट है प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही यूएस के हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। लेकिन इस सबमिट में ये देखा गया कि अधिकतर देश अपने हेड ऑफ स्टेट को ना भेज के अपने काफी एक्सपीरियंस्ड ब्यूरोक्रेट को भेजते हैं। एग्जैक्टली यही काम भारत ने भी किया, जहां पे हमारे तरफ से पवन कपूर सर गए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये काफी एक्सपर्ट ब्यूरोक्रेट हैं और इनकी काफी अच्छी समझ है वेस्टर्न पॉलिसीज को लेके। क्योंकि पीस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, इसलिए इस पीस समिट का एक अपना ऑब्जेक्टिव भी था। तो इस पीस समिट का कुछ ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी देश का जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको थ्रेट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन होता है। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी क्या होता है? तो किसी भी इंडिपेंडेंट देश का जो एरिया होता है, जो जमीन होता है, अगर उसको किसी भी तरीके से कोई दूसरा देश बाय फोर्स कैप्चर करता है या लेता है तो वो हम कह सकते हैं कि मोर और लेस एक वायलेशन होता है और वो अगेंस्ट होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का। साथ में जब ये सबमिट खत्म होता है तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में साइन भी किया जाता है, जहां पे जो स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो सपोर्ट करता है यूक्रेन को। लेकिन इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत साइन नहीं करता है क्योंकि हमारे अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। साथ में एक बात मैं आप लोगों को और भी याद दिला दूं कि इस सबमिट में यूक्रेन तो पार्टिसिपेट किया लेकिन रशिया पार्टिसिपेट नहीं किया था। कहने का मतलब है कि वॉर हो रखा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन जो फैसला किया जा रहा है वो बिना दोनों पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का किया जा रहा है। कुछ एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे भारत भी फोकस करते हैं और कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीजों के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि वैसे टर्म्स एंड कंडीशन को रखा जाए जो टर्म्स एंड कंडीशन रशिया और यूक्रेन दोनों को स्वीकार हो। उसके बाद अगर किसी भी तरीके से भारत इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन करता तो इसका ये मतलब होता कि भारत रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट पे साइन कर रहा, जो कि किसी भी तरीके से हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि रशिया हमारा एक ट्रस्टेड एलाय है और हमें रशिया की जरूरत है। और साथ में कपूर सर ये भी कहते हैं कि डायलॉग ऑन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाए और जो बातचीत हो रहा इसे काफी सीरियस तरीके से बातचीत किया जाए। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से इस सबमिट को ऑर्गेनाइज किया गया, यहाँ पे रशिया प्रेजेंट ही नहीं था, तो अगर रशिया प्रेजेंट ही नहीं था तो बातचीत कैसे होगा? जब एक तरफ के जो पार्टी है वो अटेंड ही नहीं कर रहे हैं तो उस कॉन्फ्रेंस में आप जितनी मर्जी उतने लेटर पे साइन करा दो, उसका जो इफेक्टिवनेस रहेगा वो कंप्लीट तरीके से जीरो रहेगा। और कुछ इसी तरीके से रशिया भी कहता है कि इस पीस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम है। वहीं पे अगर बात किया जाए यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज का, तो वो जिस तरीके से यूक्रेन को बेचारा दिखा रहे हैं और रशिया को एज एन एग्रेसर दिखा रहे हैं, अगर आप इनके फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सारे के सारे देश एग्रेसर हैं। और आज के डेट में जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रखा है, इसके पीछे भी यूएस, यूके, फ्रांस, ये सारे देश जिम्मेदार हैं। और जिस तरीके से इस पूरे पीस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था, आप देख सकते हैं किस तरीके से एजेंडा को सेट किया जाता है और ऊपर ऊपर ये दिखाया जाता है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज कितना ज्यादा कंसर्न है पीस को लेके। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी भी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वॉर को रोका जाए। अगर इस वॉर को नहीं रोका जाएगा तो इस पूरे टाइम पीरियड में जितना एरिया रशिया ले लेगा वो एरिया कभी वापस नहीं करेगा। और आज के डेट में एज पर मीडिया रिपोर्ट्स लगभग 20-25% जो यूक्रेन का एरिया है वो ऑलरेडी कैप्चर किया जा चुका है रशिया के द्वारा, और व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरीके से उस एरिया को वापस नहीं करेंगे। और ये वही सारे एरियाज हैं जिससे यूक्रेन को सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट होता था। इसी पीस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ये कहते हैं कि रशिया को रोकने का दो तरीका है। एक तो है डिप्लोमेटिक तरीका, यानी कि कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके और प्रेशर बिल्ड किया जाए रशिया के ऊपर, और दूसरा कहा जा रहा है कि यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए डिफेंस
डिफेंस है। कहने का मतलब है कि अभी भी इनको ये लगता है कि रशिया को आप मिलिट्री का इस्तेमाल करके उसको आप रोक सकते हैं। तो शायद इससे बड़ा बेवकूफी या इससे बड़ा शॉर्ट साइटेड आपको कोई भी दुनिया का और लीडर नहीं दिखेगा। वहीं पे अगर बात किया जाए चाइना का, तो चाइना इस सबमिट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। भारत की तरफ से हाईली एक्सपीरियंस डिप्लोमेट को भेजा जाता है। वहीं पे सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, एमिरेट्स, ये लोग भी किसी भी तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट पे साइन नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी देश अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है उनका कंप्लीट तरीके से फेलियर है, क्योंकि ये यूक्रेन के हेड ऑफ स्टेट हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका फैसला है वो जो कॉमन सिविलियंस है यूक्रेन का, उनके फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज है। तो अगर हम इस वीडियो को सिंपली कंक्लूड करना चाहें तो हमें समझ में आता है कि एक तो कभी भी वॉर कोई ऑप्शन नहीं होता है किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, और उसके बाद जितने मर्जी स्टेटमेंट को रिलीज किया जाए आपके सपोर्ट में, कभी भी उन सभी स्टेटमेंट के बहकावे में आके अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।